दोस्तों, अगर आपने इस स्टोरी के बाकी पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कुनीपिक गुल्ली को जाता हुआ देख लेता है और ये देखकर कुनीपिक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मुंडी यहाँ वहाँ घुमाने लग जाता है। और फिर कुनीपिक पीछे देखता है तो उसे बिल्ली बेहोश दिखता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कुनीपिक अपना बदला लेना शुरू कर देता है। कुनीपिक गुल्ली को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाता है लगातार बिना रुके। और थोड़ी देर मारने के बाद कुनीपिक को ऐसा लगता है कि गुल्ली मर चुका है, लेकिन गुल्ली मरा नहीं है, वो तो सिर्फ बेहोश हुआ है। और फिर कुनीपिक रुक जाता है और इधर नकली बाबा ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है और ये सब देखकर नकली बाबा को खुशी होती है बहुत ही ज्यादा। लेकिन नकली बाबा को दुख इस बात का होता है कि गुल्ली वहाँ से भाग गया है और ये सब देखकर नकली बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर नकली बाबा सरकटा से बोलते हैं, सरकटा चलो कुनीपिक के पास, आज मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम भी कुनीपिक की मदद करने के लिए चले गए होते तो वो दूसरा वाला भागा नहीं होता और तुम दोनों की गलती की वजह से वो भाग चुका है। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम दोनों को अभी बताता हूँ। और इसके बाद सरकटा और बाबा कुनीपिक के पास जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ये दोनों कुनीपिक के पास पहुंच जाते हैं। नकली बाबा जैसे ही कुनीपिक के पास पहुंचता है, नकली बाबा कुनीपिक से बोलता है कि कुनीपिक, तुमने गुल्ली को मार मार कर बेहोश कर दिया, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें गुल्ली को भी पकड़ना चाहिए था। अब वो भाग चुका है, अब वो पक्का किसी न किसी को अपने साथ लेकर आएगा और वो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अगर हमें उससे बचना है तो हमें कुछ तो करना होगा और ये सारी गलती सरकटे की है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब चलो दोनों लोग मिलकर इसे सबक सिखाते हैं और आज ये जिंदा नहीं बचेगा। ये सब सुनकर कुनीपिक नकली बाबा को समझाता है कि हमें सरकटा को नहीं मारना चाहिए और वैसे भी वो इसे बचाने के लिए जरूर आएगा क्योंकि ये उसका भाई है और वो इसे छोड़कर अगर गया है तो इसे बचाने पक्का जरूर वापस आएगा। और इसके बाद ये लोग यही सब बात करने लग जाते हैं। और इधर पार्टी बॉय सोहन भी गुल्ली बुल्ली के घर जा रहा है क्योंकि इसे ये शक हो गया है कि आखिर गुल्ली बुल्ली कहाँ रह गए, क्योंकि इसने गुल्ली बुल्ली को अपने घर 8 बजे रात को बुलाया था लेकिन अभी रात के 10 बज रहे हैं और गुल्ली बुल्ली अभी तक इसके घर नहीं गए हैं। और ये सब सोचकर पार्टी बॉय सोहन गुल्ली बुल्ली को ले जाने के लिए उन दोनों के घर जा रहा होता है। पार्टी बॉय सोहन को लगता है कि गुल्ली बुल्ली घर में बैठ कर आराम कर रहे होंगे, लेकिन इसे क्या पता कि गुल्ली बुल्ली तो घर पर है ही नहीं और वो दोनों वहाँ पर मुसीबत में फंस चुके हैं। यही सब सोचते हुए पार्टी बॉय सोहन गुल्ली बुल्ली के घर पहुँच जाता है और फिर इसके बाद पार्टी बॉय सोहन गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ गाड़ी मोड़ देता है और गुल्ली बुल्ली के घर में जाकर गाड़ी को खड़ा करता है। लेकिन पार्टी बॉय सोहन जैसे ही गुल्ली बुल्ली के घर पहुँचता है वो ये देख कर हैरान होता है कि आखिर गुल्ली बुल्ली है कहाँ, और फिर वो यहाँ वहाँ गुल्ली बुल्ली को ढूंढने लग जाता है लेकिन गुल्ली बुल्ली उसे दिखाई नहीं दे रहे होते। लेकिन सोहन फिर भी गुल्ली बुल्ली को ढूंढ ही रहा होता है। थोड़ी देर बाद सोहन को जब ये लगता है कि गुल्ली बुल्ली घर पर है नहीं तो सोहन अपनी स्कूटर को खड़ा करता है और फिर एक बार और चेक करता है कि गुल्ली बुल्ली कहीं पर छुपे हुए तो नहीं है, लेकिन उसे गुल्ली बुल्ली कहीं नहीं दिखते। और इसके बाद सोहन अपना फ़ोन निकालता है और बाबा के पास फ़ोन करता है क्योंकि इसने गुल्ली बुल्ली के पास पहले फ़ोन किया था तो गुल्ली बुल्ली का फ़ोन ही नहीं उठ रहा था। और इसके बाद सोहन बाबा से बोलता है कि हेलो बाबा, क्या गुल्ली बुल्ली आपके घर आए हैं? और बाबा ये सब सुनकर सोहन से बोलते हैं कि नहीं नहीं सोहन, मैं तो घर पर हूँ ही नहीं और मुझे इस बात का नहीं पता कि वो लोग मेरे घर आए भी हैं या नहीं। और ये सब सुनकर सोहन बाबा को सारी बात बताने लग जाता है कि किस तरह वो उसे गुल्ली बुल्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और इधर गुल्ली भी गाड़ी भगाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता कि तभी गुल्ली ने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे ये क्या, गुल्ली इतना डर क्यों गया? आखिर गुल्ली ने ऐसी भी क्या चीज देख ली? अरे ये क्या, ये तो सिलेंडर मैन है, लेकिन इसे बाबा ने तो मार दिया था, तो फिर ये जिंदा कैसे हो गया? सिलेंडर मैन गुल्ली को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाने लग जाता है। और इसके बाद सिलेंडर मैन गुल्ली के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है जिससे गुल्ली गाड़ी के साथ ही पलट जाता है और गुल्ली बेहोश भी हो जाता है। और ये सब देख सिलेंडर मैन ये सब देख रहा होता है और ये सब देखकर सिलेंडर मैन काफी ज्यादा हंसने लग जाता है।
स्लेंडरमैन बहुत ही जोर जोर से गिल्ली को देख देख कर हंस रहा होता है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और वो सोच रहा होता है कि गिल्ली भी मर चुका है, लेकिन उसे क्या पता गिल्ली भी सिर्फ बेहोश हुआ है। और इसके बाद स्लेंडरमैन नकली बाबा के घर की तरफ जाने लगता है। इधर सोहन ने बाबा को सारी बात बता दी है कि गुल्ली गुल्ली उसे कहीं पर भी मिल नहीं रहे हैं। और ये सब सुनकर बाबा सोहन से बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं अभी 2 घंटे में अपने घर पर पहुंचता हूँ और गुल्ली गुल्ली को ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ, फोन रखो। और इसके बाद सोहन फोन रख देता है। तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली और गुल्ली का? क्या गुल्ली गुल्ली को बाबा और सोहन बचा पाएंगे, या फिर गुल्ली गुल्ली को सिलेंडर मैन, सरकटा, खूनी पीक और नकली बाबा मिलकर मार देंगे? ये सब हम देखेंगे इस बात में। तो दोस्तों अगर आपने इस बात देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।